प्रिय मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, समय समय पर अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र मंगल केतु गुरु, चंद्र मंगल केतु ग्रह की युक्ति का कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है। जिसके लग्न में चंद्र मंगल केतु गुरु हो, ऐसे लोग साहसी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इनका जीवन सफल होता है। जिसके दूसरे भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, दिमागी परेशानी रहती है, उन्नति मेहनत का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, इच्छानुसार उन्नति नहीं होती है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग साहसी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं। जिसके चौथे भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके पांचवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं, अपनी कला अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। जिसके छठवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग शत्रुओं पर हावी रहते हैं, ऐसे लोग का चरित्र नहीं गिरता, कभी जेल नहीं जाते। जिसके सातवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग दौड़ धूप अधिक करते हैं, इनको सफलता नहीं मिलती है, इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, शादी विवाह में रुकावट आता है। जिसके आठवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी के रोग से परेशान रहते हैं, उदर रोग से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। जिसके नौवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, रंग से राजा होते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, देश विदेश में नाम फैलाते हैं, ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते हैं, ऐसे लोग जीवन में परिश्रम से अच्छी उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनेता होते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं। जिसके ग्यारहवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, छोटा व्यापार करके अच्छी सफलता पाते हैं। जिसके बारहवें भाव में चंद्र मंगल केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में धार्मिक काम करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जीवन में विदेश जाने का योग भी इनको मिलता है, इनके संतान योग्य होते हैं, अपने जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर देते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने आज प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा करता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।